जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त भरत सिंह और स्वागत है आपका पहले यूनिवर्सिटी बॉडी बिल्डिंग चैनल पर। दोस्तों, मैंने मेरी पिछली वीडियो में डाइट प्लान फॉर रेजल्ट का पार्ट वन डाला था और मैं उसमें बोला था आपको कि चांदी की रोटी क्या रहती के बारे में आपको जानकारी दूंगा। अगर मेरी आप पिछली वीडियो नहीं देखे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए, आपको पूरा मसला समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, उसके अंदर मैं एक बात बोला था कि चांदी की रोटी, अब ये चांदी की रोटी क्या है, चांदी की रोटी बनती कैसा, खाने के उसके फ़ायदे क्या है अपने को। नॉर्मली अपन जो भी घर में गेहूँ का आटा, ज्वारी का जो भी लेते हैं, उसके अंदर आपको मिलाना है अलसी के बीज, इंग्लिश में उसको फ्लेक्सिड्स बोलते हैं। फ्लेक्सिड्स को पहले थोड़ा तवे पे या कढ़ाई पे भून लेना, उसमें थोड़ी सी लहसुन, थोड़ी सी बुकनी और काला नमक डाल के इन सब चीज़ों को भून लेके ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना। ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद उसको जो भी आप आटा लेते गेहूं का, ज्वारी का, आपके स्टेट के हिसाब से जो भी आप कंफर्टेबल है लेके, वो आटे में वो अलसी का पाउडर डाल देना। डालने के बाद उसमें थोड़ा सा गुड़ डालना, गुड़, काला खाने वाला गुड़, गूंद के उसको, वो गूंदे हुए आटे को भी दही से गूंदना, दही, मलाई या घी जो भी आपके साथ सहूलत हो रही है आपको। वो आटे को गूंद के रोटी बनाने के बाद घी से सेक के उसको उसके ऊपर लगाना चांदी का वर्क। अब ये खाने से होंगे कि आपका खून पतला होगा, खाने का डाइजेशन अच्छा होगा, हाई फाइबर है, पहलवान को फाइबर होना ज़रूरी है। ये खाने के फ़ायदे, रोटी आपको एक तो हाई फाइबर मिलेगा, फ्लेक्सिड्स उसमें गेहूँ या ज्वारी जो भी ग्रेन्स है, और साथ ही साथ आपको डाइजेशन अच्छा, आपका पेट साफ रहेगा क्योंकि उसके अंदर आप गुड़ डाले, और सबसे बड़ी चीज़ चांदी डाल रहे हो उसके अंदर आप, जो कि आपकी ताकत को हद से ज़्यादा बढ़ा देंगी। आपको कैल्शियम मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगी उसके अंदर, और ख़ास तौर से ज़्यादा गर्मी होने के बाद में थोड़े भाइयों को नाइट फेल हो जाता रात में, उसकी भी शिकायत इससे कम हो जाएंगी। इसको खाने का तरीका, लगातार आपको इसको 4 दिन खाना है। 4 दिन खाने के बाद उसको अल्टरनेट कर दीजिए, एक ही वर्क बस है पूरे आपके मील के अंदर, एक ही वर्क चांदी की काफ़ी है आपको शक्तिशाली बनाने का। और इसका सबसे अच्छा फ़ायदा, आपका दिमाग आप बहुत ज़्यादा शांत रहेंगे, आपका दिमाग के जो भी न्यूरॉन्स हैं उसको भी बेनिफिट है। खैर, उसके ऊपर और अपन वीडियो आगे बनेंगे, लेकिन अब बात करते शरद की। शायद ही दोस्तों कोई सप्लीमेंट में या किसी और चीज़ में चांदी का सेवन होगा, ये अपने प्राचीन सभ्यता है जो कि बहुत दुर्लभ है और लुप्त होते जा रही है, तो इसको अपनाइए और अपने साथ परिवार में शेयर करिए। नॉर्मली नॉर्मल जो वर्कआउट नहीं करते उन्हें भी खा सकते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते, जो पहलवानी करते, वो लोग भी अगर चांदी का वर्क अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ताकत आ जाएगी उनके अंदर। तो ऐसे वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।